हेलो दोस्तों, आज मैं स्पीड में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कैसे आपने आपके पास एप्सन का 565 मॉडल है 565। इसमें ADF में दिक्कत आ रही है। वो क्या आ रही है कि देख सकते हैं, आपको पेपर नहीं है आपके इसमें ADF में, तब भी ADF शो कर रहा है कि इसमें कोई पेपर है, तभी यहाँ पर इंडिकेटर शो कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है, यहाँ पर कोई पेपर नहीं है। मैं यहाँ पर फोटोशीट करूँगा तो होगा नहीं फोटोशीट, फिर आ गया। ADF का भी गया था तो ये फिर आ गया। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ फोटो शेड करूँगा कोई भी, अगर मुझे आधार कार्ड की यहाँ फोटो कॉपी करनी है तो नहीं हो पाएगी, तो ADF का पेपर रोल चलते रहेंगे इसके। तो इसे कैसे फिक्स करें इस वीडियो में आपको दिख जाएगा ये। तो पहले तो आपको इसका ये कवर है, ये आपको ओपन करना है। ईजी है, आप ऐसे करो तो ये ओपन हो गया। इसका सेंसर वैसे यहाँ होता है, ठीक है, ये सेंसर है इसका। और जैसे आप ADF का करते हैं तो ये खोलते तो ये अपना ऑफ हो जाता है, यहाँ से ADF का लोग गायब हो जाता है, देख सकते हैं गायब हो गया। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आप स्कैनर है इसका, यहीं पर ही इसका वो है, आप सेंसर देख सकते हैं, यहाँ पर सेंसर है इसका। आपको दिखा करके ये रहा इसका सेंसर, ये वाला। जैसे मैं इसको पेपर डालता हूँ, ऐसे ये पेपर डाला था ऐसे गायब हो जाता है, और अगर मैंने वापस इसको करा तो वापस आ जाता है गायब आया। तो ये इसका सेंसर है, तो ये इसको स्कैन की नहीं कर पा रहा, क्योंकि लग रहा है कि गायब हो रहा है। तो ऐसे कैसे ठीक करें, इसमें डस्ट आ जाती है मेनली, डस्ट के चक्कर में होता है ये। तो आपको क्या करना होगा, इसे क्लीन करना है। आपको पहले कपड़ा लेना है और जो हमारा मिरर क्लीन होता है वो चाहिए बस। पहले तो आपको यहाँ पर डाल देना सारा, पहले इसको हम क्लीन करना है ना, थोड़ा सा ही लेना है। और कोई भी सॉफ्ट कपड़ा लेके, सूखा कपड़ा, पहले इसको क्लीन कर लेना। तो ये अच्छे से क्लीन हो गया इसका। अब आपको क्या करना है, इसका ये पार्ट भी क्लीन करना है। इसमें भी आप कॉलिन डाल दीजिए, पर ध्यान से कॉलिन पे चले लेना था इसमें। पहले आप थोड़ा सा यहाँ से लेके ऐसे क्लीन कर दीजिए इसको। इसको मैं अच्छे से क्लीन कर देता हूँ, वीडियो पॉज करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने क्लीन कर लिया है, अगर फिर भी ये दिक्कत आपकी नहीं जाती, मेरी तो यहाँ से चलेगी, और इशू जो था इसका यहाँ चला गया। आपको ये आ नहीं रहा, जब मैं पेपर डालूँगा तभी आएगा वो। सबको पेपर है, ये रहा पेपर डाला मैंने, आप साउंड सुनना उसकी आई आवाज, आपको दिखा रहा था। यह डाला, ADF आ गया, ठीक है, निकाल लो गायब हो गया। तो इसका तो इशू ठीक हो गया है, और किसी का अगर ज़्यादा डस्ट चला जाता है तो यहाँ पर भी डस्ट अंदर चला गया इसके। तो उसे हम कैसे ठीक करें वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो पहले तो फिर आपको इसके लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। स्क्रू ड्राइवर में आपको 4 नट्स निकालने हैं, स्क्रू निकालने हैं। निकालने के बाद इसका ये ओपन करना है। तो मैं पहले निकाल लेता हूँ, वीडियो पॉज करके फिर ओपन कर दिखाता हूँ। मैंने चारों स्क्रूज निकाल लिए, फिर अब बस कुछ नहीं करना, सीधा आपको ये इसके खोल देना है। खोलने के बाद आपको अंदर भी इसकी स्ट्रिप दिख रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर डस्ट है, इसको भी आपको कॉलिन से क्लीन कर लेना है। तो मैं एक हाथ से तो कर नहीं सकता, तो आपको क्लीन कर एक बार दिखा देता हूँ कैसे क्लीन हो गए। चलो मैं देखता हूँ कैसे क्लीन करते हैं इसको। मैंने कपड़ा डाल लिया,
कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे ऐसे क्लीन कर देना जान जान को डस्ट दिख रही है इसकी, और उसको आराम से करना है क्योंकि ये थोड़ा प्लास्टिक है कमज़ोर है। उसे ऐसे क्लीन करने के बाद नहीं फिर आपको ये प्रिंटर चल जाएगा, आपका EDF का जो ब्राउन था वो सीख हो जाएगा। ठीक है ठीक है, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। और किसी प्रिंटर्स में डस्ट जाने के कारण जो हमारे पेपर लेता नहीं है वो भी इसके प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा सा कॉलिन यहाँ डाल दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, डालने के बाद फिर सूखा कपड़ा लेकर इसको क्लीन करना है आपको। के ऊपर के रोलर भी हैं, इनको भी क्लीन कर लीजिए। क्लीन करके और फिर बाकी जो उसका एरिया है उसको भी आप क्लीन कर लीजिए अच्छे से। मैं वीडियो पॉज करके इन सबको अच्छे से क्लीन करके आपको पेपर लगा के दिखाता हूँ। मैं सारा नट स्क्रू डाल दिए इसके अंदर, बस पैक करके आपको दिखाते हैं कैसे उसका रिस्पॉन्स है। तो ढंग से डालना आपको पेपर को, और मुड़ा हुआ पेपर ना हो। मैं ब्लैंक पेपर ही डाल रहा हूँ, बस मुझे चेक करना है कि इसका जो भी मैकेनिज्म सही चल रहा है या चल रहा है। EDF आ गया, सॉरी EDF का इंडिकेशन आ गया इसका, कॉपी करता हूँ पहले। थोड़े थोड़े में शुरू में इशू लेगा तो बाद में चलते ठीक होगा। आपको दो तीन पेपर लगा के ऐसे करना है तो जाकर थोड़ा ठीक होगा। वैसे इस मॉडल का मुझे EDF अच्छा लगता नहीं है क्योंकि इतना स्लो EDF है, इससे जल्दी तो उसमें ही हो जाता है। ब्लैंक शीट आ गई, ब्लैंक एरिया तो हमारा एरिया परफेक्ट है। जो इसका स्टैम्प है जो भी है इसका परफेक्ट है, जितना कर सकते हैं इस मॉडल में सो एरिया ओके है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं ऐसी वीडियोस डालते रहता हूँ।